नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के अफसलगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव रायपुर पट्टी दिल्ला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक व टीकापार किसान सेवा सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन राम सिंह चौहान देर शाम बाइक से गांव अमान नगर निवासी अपने रिश्तेदार करण सिंह के घर से लौट रहे थे। इसी दौरान अंगदपुर बस स्टैंड व हाईवे पार करते समय उत्तर प्रदेश परिवहन की मुजफ्फर डिपो की अनुबंधित बस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से पीएससी कासमपुर गढ़ी में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सक ने घायल राम सिंह को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ, जहां सोहारा के आरएसपी इंटर कॉलेज में 32 यूपी एनसीसी बटालियन थामपुर के कमान अधिकारी कर्नल जीसी उपाध्याय